नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। लंच ब्रेक की शुरुआत आज जेएनयू से जुड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर छात्रों का मार्च लगातार जारी है। आपको बता दें कि जेएनयू कैंपस में इस वक्त छात्र मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं। इनकी मांग यही है कि वीसी को उनके पद से हटाया जाए। छात्रों का मार्च आज मंडी हाउस तक होना है, हालांकि उनको इसके लिए परमिशन और इजाजत नहीं मिली है दिल्ली पुलिस की ओर से, लेकिन इसके बावजूद ये प्रदर्शन चल रहा है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुनीश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जहां पर आप खड़े हैं बताया जा रहा है कि वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और वहां तक छात्रों का मार्च पहुंच चुका है। ताजा तस्वीर, ताजा अपडेट बताइए। बिल्कुल, दो फ्रंट खुले हैं दिल्ली में। एक तरफ जहां जेएनयू के गेट पर छात्र यहां आने के लिए हंगामा कर रहे हैं, पुलिस आने नहीं देना चाहती, और दूसरी तरफ यहां पर सैकड़ों की तादाद में छात्र, अध्यापक और सिविल सोसाइटी के लोग, साथ ही लेफ्ट पार्टी के जो नेता हैं, यानी कार्यकर्ता नेता हर तबका समाज का यहाँ पहुंचा है। और वहां देखिए आजादी के नारे एक बार मंडी हाउस पर लग रहे हैं, जिनको लेकर, और साथ ही हम देखेंगे वो गीत जिसको लेकर के बवाल हो रहा है। उन गीतों के साथ, संगीत के साथ, नारों के साथ सरकार का यहाँ पर विरोध। हनन मुल्ला हमारे साथ इस समय यहाँ पर जुड़ रहे हैं। विरोध जो है हम देख रहे हैं अलग अलग, वहाँ पर जो जामिया जेएनयू में हिंसा हुई उसके खिलाफ, और यहाँ पर नागरिकता संशोधन कानून जो है उसके खिलाफ ये बैनर। कुल मिलाकर के संदेश क्या? संदेश यही है, जो आंदोलन हम शुरू किया है इससे रोज नया नया ताकत जोड़ रहा है, और ये जब तक ये सरकार पीछे नहीं हटेंगे तब तक ये आंदोलन बढ़ते जाए। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही कि देखिए छात्रों यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर के राजनीति कर रहा है विपक्ष। ये तो वो क्या कर रहे हैं, आज वाइस चांसलर के हथियार करके वो राजनीति कर रहे हैं, और वहाँ जब तक कॉन्स्पिरेसी है। और मार्च यहाँ पर, अब देखिए मंडी हाउस पर मार्च शुरू हो चुका है। मैं चाहूंगा आपको ये 360 डिग्री की तस्वीरें दिखाना, बैनर पोस्टर लेकर के आगे एक ट्रक खड़ा किया गया, और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में पुलिस के साथ बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि पर रास्ता ना बंद हो। और इधर पुलिस जो है लगातार इन पर भी निगरानी कर रही है कैमरों के जरिए, यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। और जिस तरह का प्रदर्शन छात्रों का देखने को मिलता है, आपको उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। नारेबाजी और ढोलक, इन नारों के बीच प्रदर्शन की ये तस्वीरें मंडी हाउस की। और मैं चाहूंगा कि दूर तक की तस्वीरें दिखाऊं, कि लगभग ये 25 से 30 मीटर का ये जो पूरा इलाका है, छात्र यहाँ पर भरे हुए हैं। यहाँ पर गांधी अंबेडकर के तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ नारेबाजी है पुलिस के खिलाफ। और यहाँ देखिए किस तरह से पुलिस के खिलाफ जो नाराजगी है वो बैनर पोस्टर लेकर के ये जो छात्र यहाँ पहुंचे हैं। आपकी नाराजगी किस बात को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देश में 70% आवाम है। ये देखिए ये छात्रों का रोष यहाँ पर सड़कों पर उतरा है। और दूसरी आशुतोष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशुतोष, जिसमें शरद यादव भी हैं, नेता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आशुतोष के पास लौटेंगे। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये बताएं कि जो छात्र हैं उनको परमिशन तो दी नहीं गई है, इजाजत मिली नहीं है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि आप किसी बस में या फिर किसी और सवारी में भरकर जा सकते हैं, पैदल मार्च नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, और पुलिस जो चाहती थी काफी हद तक उसमें पुलिस कामयाब रखी। इस वक्त देखिए बाहर जो तमाम आप लाइन से बसें देख रही हैं, इनमें जो छात्र अभी गेट पर पहुंचे थे मार्च करते हुए, वो सभी छात्र इन बसों में आकर के बैठ गए हैं। पुलिस लगातार सुबह से यही कोशिश कर रही थी। और ये देखिए साथ में देखिए जो पुलिस की गाड़ियां हैं, जिसमें पुलिस के जवान, महिला पुलिस के लोग, सब लोग रहेंगे। ये लोग गार्ड करते हुए जाएंगे और इन सभी लोगों को मंडी हाउस लेके जाया जाएगा। देखिए जेएनयू के तमाम छात्र बसों में बैठ गए हैं, और इनकी कोशिश यही थी पुलिस की, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से मंडी हाउस इन सभी लोगों को पहुंचाया जा सके। देखिए डीसीपी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बात हो रही थी स्टूडेंट से सुबह से? हाँ, स्टूडेंट से बात हो रही है। बात तो सारे स्टूडेंट मान गए सर इसी तरीके से जाने के लिए बसों में? वो हम देख रहे हैं।
वो देखिए पुलिस की बात चल रही थी और स्टूडेंट से बात चल रही थी और अभी सारे स्टूडेंट आकर के बसों में बैठ गए, आप देख सकती हैं तमाम वो बसें हैं और पुलिस यही कह रही थी कि उनको एस्कॉर्ट किया जाएगा। 12 बसों की बात है जिनमें 10 बसों में छात्र बैठे हुए हैं, जबकि जो प्रोफेसर इस प्रदर्शन में शामिल है 2 बसों में बताया जा रहा है कि प्रोफेसर के लिए भी लाई गई थी जिनमें प्रोफेसर बैठ सके और सभी लोगों को मंडी हाउस पहुंचाया जा सके शांति से। और देखिए अब ये बसें चलनी शुरू हो गई हैं, श्वेता आप देख सकती हैं जो आगे की बसें हैं वो जानी शुरू हो गई हैं, जो तमाम छात्र हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ी, हालांकि दिल्ली पुलिस को सुबह ही दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर 7 बजे के आसपास ही दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी, हालांकि टाइमिंग 11 बजे के आसपास का था और उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। जिले के तमाम आला अधिकारी, इसके अलावा दूसरों जिले से भी अधिकारियों को बुलाया गया था, हैवी डिप्लॉयमेंट था, इस रोड को सुबह ही बंद कर दिया गया था आम ट्रैफिक के लिए। और यहाँ पर आप देखिए जो बसें हैं जो स्टूडेंट्स को लेकर के वो सभी जा रही हैं और ये पूरी सुरक्षा में जाएंगी, ऐसा नहीं है कि साथ में पुलिस मुनीश का रुख करेंगे। मुनीश उस बस में सवार है, दरअसल वहां का रुख करेंगे जिसमें छात्र भी मौजूद हैं। मुनीश इन छात्रों से बात करने की कोशिश कीजिए, जानिए इनका रुख क्या है, कहाँ तक ये ऐसे जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम उसी बस में हैं जिसमें कि जो प्रदर्शनकारी हैं जेएनयू के जो छात्र हैं वो मौजूद हैं और उनसे ही हम सीधा बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो पुलिस है वो कह रही थी कि आप लोग को मार्च नहीं करने देंगे और अब आप लोग बस में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप ये सोचिए कि एक निरंकुश के द्वारा जो जुमला देता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सदी का सबसे भयानक हादसा लिखा जा रहा है, बेटियों पर लाठियां चलवाई जा रही है, हम आज उसके विरोध में लामबंद होकर के प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि पुलिस हमें जाने देगी, क्योंकि वो सत्ता की मुलाजिम है, सत्ता के फेवर में काम कर रही है, लाठियाँ चलवाई जा रही है उसके प्रेजेंस में लाठियाँ चलवाई जा रही हैं, लेकिन हम लोग फिर भी जाएंगे, हम जिंदा हैं, बगावत करेंगे। जी बिल्कुल, और यहाँ पे बस के अंदर भी जो विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज कराने की कोशिश है और जो छात्र हैं वहाँ पर वो भी अपने बैनर पोस्टर को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा कई जो छात्र हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग को पहले बोला गया था कि आप लोग पैदल नहीं जा सकते हैं, बस से जा रहे, कितनी उम्मीद है कि आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा पाएंगे? I really have no hope with Delhi police anyway after what happened that night. We saw the police was on campus right half an hour before this event occurred, and when they were stationed at the gate they allowed goons to enter with weapons. So I do not have any, I have lost all faith on Delhi police. That's why this poster, because they have been kept on brutalizing us throughout. Even in campus when they entered that night they were beating in front of our eyes, they were beating common students who were eating in dhabas, they were dragging them out and beating them, and they did not even capture one goon. How is it possible? Is this the credibility of the Delhi police? So no, we don't know, but we will reach there no matter what, even if it is night. Inka kehna hai Delhi police ke upar lagatar aarop lag rahe hain. Dusre taraf ki main tasveer apne camera person se kahunga wo dikhaye aapko, bus ke andar bhi lagatar virodh pradarshan darj kar rahe hain log. जेएनयू तो हम सब जेएनयू, तो यू आर जेएनयू। मंडी हाउस आप लोग जा रहे हैं, वीसी के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है दिल्ली पुलिस के खिलाफ, वीसी के अगर आप लोग अगेंस्ट में रहेंगे कैसे आप लोग की शिक्षा चलेगी, क्या आप लोग को इसमें हल निकल कर सामने नजर आता दिख रहा है अगर वीसी के खिलाफ ही रहेंगे? आप ये कह रहे हैं कि हम वीसी के खिलाफ हैं और आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि वीसी हमारे खिलाफ है? वीसी हमारे खिलाफ एक से एक कानून लाता है, फीस बढ़ाता है, वो पढ़ने नहीं देता है, बच्चे जख्मी उनसे मिल नहीं रहा, बच्चों से बात नहीं करता है, हमारी यूनियन से बात नहीं करता, हमारी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं करता है। तो हम वीसी के खिलाफ नहीं है, वीसी हमारे खिलाफ है, इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वीसी शुड रिजाइन एंड ही शुड गो बैक, वी डोंट नीड हिम एनीमोर। वीसी का सीधे तौर पर रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है यहाँ पर। और श्वेता मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बस है इसमें जेएनयू के छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं और ऐसी तकरीबन 10 और बसें हैं जो कि दिल्ली पुलिस ने अरेंज की थी। दिल्ली पुलिस ने एक बात साफ कर दी थी और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए कि जो छात्र हैं वो मार्च नहीं कर पाएंगे और इन्हीं बसों में ये मंडी हाउस तक जाएंगे। मंडी हाउस पहुंचने के बाद में क्या इनको वहां पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करने की इजाज़त मिलेगी वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो छात्र हैं ऐसे ही 10 बसों में जा रहे हैं। ठीक है मुनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता एक बस के अंदर मौजूद है जिसमें ये जो तमाम छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी बस के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा का। आशुतोष मिश्रा मंडी हाउस में मौजूद है। आशुतोष, इस वक्त हम देख पा रहे हैं आपके इर्द गिर्द तमाम छात्र मौजूद हैं
हैं जो ठपलियों के साथ, पोस्टर बैनर के साथ लगातार स्लोगन्स बोल रहे हैं, हूत कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं छात्र? वीसी को हटाने की मांग इकलौती मांग है इनकी, या फिर जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, किस तरह की मांगे हैं इनकी? श्वेता, ये जो छात्र हैं आजादी के नारों से जेएनयू के दूसरे छात्रों का इंतजार करते हैं, तो सबसे पहले इन छात्रों को सुनते हैं कि आखिर क्या चाह रहे हैं। यहाँ ये देखिए जो साफ है, जो पारंपरिक तौर पर प्रदर्शन है छात्रों का, जो दिल्ली में देखने को मिलता है, मांग है कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे और साथ ही वाइस चांसलर को हटाया जाए। और यहाँ पर जो दूसरे छात्र हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि छात्रों की मांग सिर्फ वाइस चांसलर को हटाने की है या दिल्ली पुलिस के खिलाफ। हमारी मांग, जब वहाँ पर गुंडागर्दी हो रही थी, पहली चीज ये है कि वहाँ पर पुलिस तैनात थी आउटसाइड द कैंपस, लेकिन वो एक्शन कुछ नहीं ले रहे थे, वो आराम से खड़े हुए थे। पहला सवाल ये है कि वो खड़े हुए क्यों थे। दूसरी चीज कहूंगा, मेरे कैमरा में राकेश थोड़ा आगे हैं और बीच बीच में तस्वीरें भी दिखाते रहे कि आखिर पीछे क्या हो रहा है। और इस बीच हम आपको छात्रों के पास लेके चलते हैं कि छात्र कहना क्या चाहते हैं। जो हिंसा की तस्वीरें हमने जामिया में देखी, जेएनयू में देखी, छात्रों की मांग अब क्या है? वाइस चांसलर के खिलाफ गुस्सा है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ गुस्सा है, या ऐसी क्या बात है जो छात्रों को सड़क पर ले आई? दोनों के खिलाफ, वीसी के खिलाफ भी और जो लोगों को जो पीटा गया है उसके खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जो राजनीतिक दल हैं वो सवाल उठाते हैं कि सब छात्र आज़ादी के नारे क्यों लगाते हैं? आप अगर आज़ादी के नारे सुनेंगे तो इसमें कहीं भी देश आज़ादी नहीं है, देश के अंदर आज़ादी है, भूखमरी से आज़ादी, गांधी वाली आज़ादी, अशफाक वाली आज़ादी। तो हम आज़ादी देश से नहीं मांगी, देश के अंदर आज़ादी। ठीक है, ठीक है, आशुतोष आपके पास लौटेंगे। मुनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुनीश, क्योंकि आप उस बस के अंदर मौजूद हैं, बस कितनी देर में रवाना होगी या फिर इस बस को इजाज़त नहीं मिली है, किस तरह की जानकारी मिल रही है, कितनी देर बाद ये बस आगे बढ़ेगी मंडी हाउस की ओर? जी बिल्कुल श्वेता, बस जो है वो रवाना हो चुकी है, ये मंडी हाउस के लिए निकल चुकी है और तकरीबन 40 से 50 छात्र जो हैं वो पोस्टर बैनर और नारे लगाते हुए मंडी हाउस की तरफ पहुंच रहे हैं। छात्रों से सीधा बात करते हैं, आपने एक पोस्टर लगाया हुआ है, क्रोनोलॉजी समझिए, क्या आप इससे समझाना चाहते हैं? हम इससे समझाना चाहते हैं कि पहले आपका फी हाइक होगा, सीट कट होगा, उसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे 72 दिन तक। जब वाइस चांसलर नहीं समझेगा बात को, होम मिनिस्टर नहीं समझेंगे बात को, तो बाहर से गुंडे भेजकर उसे बोला जाएगा कि वहाँ पे वॉयलेंस हुआ और दो तरफा हुआ। वॉयलेंस दो तरफा नहीं हुआ, संघ के गुंडों ने कैंपस में बाहर से आकर मारा है हमारे स्टूडेंट्स को, और यही क्रोनोलॉजी है। इसी क्रोनोलॉजी को अमित शाह कह रहे थे। ये जो रंगा बिल्ला आपको दिख रहे हैं, ये हमारे रंगा जी है, ये बिल्ला जी है, ये अगर किसी से मिल रहे हैं तो मात्र कोइंसिडेंस होगा। अगर ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं तो ये सिर्फ मात्र कोइंसिडेंस होगा। 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस हमारे जेएनयू कैंपस के अंदर थी और 3 घंटे तक जेएनयू पुलिस, ये जो पुलिस थी कैंपस के बाहर भी थी, लेकिन पुलिस अंदर नहीं आती क्योंकि रंगा जी जो थे, बिल्ला जी थे, नहीं चाहते थे कि हम एक भी नकाब पोश को पकड़ा जाए। हम नकाब पोशों को ढूंढ रहे हैं, अगर आपको ये नकाब पोश दिखाई दें कहीं पर रंगा और बिल्ला जी तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि खाकी वर्दी रंगा बिल्ला को बचा रही है। तो आप समझ सकते हैं इशारा किस तरफ है यहाँ पर। आप ये बताइए कि आप लोग का एक मांग है कि एबीवीपी को बैन करना चाहिए, क्या वजह है इसके पीछे? भैया, एबीवीपी के सह पर ही जो गुंडे आए, एबीवीपी के इशारे पर बुलाए गए हैं, ये रंगा बिल्ला के आदेश पे आए हैं और पुलिस इनके अधिकार में रहकर वो वहाँ पर खड़े रहे, उनके सामने गोजी भाजते रहे गेट पर। मैं वहाँ पर गोलगप्पे खा रहा था जिस समय ये लोग लाठी लेकर आए, मैं अपने आँखों से देखा था। अगर रंगा बिल्ला को इतना ही मन है इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का, एक नया जेएनयू बना देना मेरे भैया, उसी में रंगा बिल्ला खुश हो जाए। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बर्बाद करने पर तुले हैं और उसी के सह पर मम्मी डाला भी चल रहे हैं। मम्मी डाला का तो रिजाइन हम ले लेंगे, लेकिन इस देश से रंगा बिल्ला का भी मैं रिजाइन ले लूंगा। और यहाँ पर जो छात्र दिख रहे हैं ना, आपको बोलते हैं कि ये पता नहीं कौन कौन से वादी है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये किताबी वादी है। जब ठीक है, मंडी हाउस का रुख करेंगे, आपके पास लौटेंगे। मुनीश, मंडी हाउस में हमारे संवाददाता आशुतोष लगातार बने हुए। आशुतोष, ये कुछ बैनर हम वहां पर देख रहे हैं, IDWA KYS, ये क्या अलग अलग छात्र संगठन इसमें शामिल हुए हैं या फिर ये सिर्फ जेएनयू के ही छात्र हैं? नहीं,
नहीं, इसमें जेएनयू के भी हैं, जामिया के भी छात्र, और साथ ही सबसे दिलचस्प बात है कि जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी का जिसे गढ़ माना जाता है, आज वहां के भी छात्र उतरे हैं। लेकिन यहां जो आप बैनर देख पा रहे हैं, ज्यादातर जो वामपंथी छात्र संगठन है उनकी तरफ से है। तो कुल मिलाकर जितने भी कॉलेज विश्वविद्यालय हैं, आज हर कोई सड़क पर उतरा है। लेकिन यहाँ पर बैनर किस तरह के हैं, ये जो रचनात्मकता छात्रों की दिखती है, आज वो विरोध में दिखा रहे हैं। एक से एक बैनर पोस्टर लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर गाय नहीं न्याय चाहिए। और इस बीच सीपीआईएम नेता वृंदा करात हमारे साथ सीधे मंडी हाउस से जुड़ रही हैं। जब नेता पहुंचते हैं छात्रों के आंदोलन में, तो सरकार ये आरोप लगाती है कि देखिए छात्रों यूनिवर्सिटी का आप इस्तेमाल करके राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए बीजेपी आरएसएस पूरे देश भर में उनका पूरा पोल खुल गया है कि उन्होंने कैसे अपने गुंडों को इस्तेमाल करके एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जेएनयू को समाप्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। आज जेएनयू के साथ सिर्फ नेता की नहीं, तमाम नागरिक साथ है। हर समाज के हर सेक्शन आज सड़क पर है इस मांग को लेकर कि ये हिटलर शाही जो तुमने जेएनयू में देखा, आज कैंपस के अंदर घुस सकते हो, एक लड़की के सिर फाड़ सकते आयरन रॉड से, और एक भी गिरफ्तारी नहीं होती है, और तुम्हारे और मेरे घर में घुस जाएंगे। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि एक महिला बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी जाती है जेएनयू छात्र से मिलने, तो अब उस पर भी आरोपों का दौर शुरू हो रहा है, उसकी फिल्म को बायकॉट करने की बात की जा रही है। मतलब ये बुलिंग कहते हैं ना कि कैसे बुली किया जाए किसी को कि वो चुप रहे। अरे तुम कब तक और कितनों को बुली करोगे, वो कभी नहीं हो सकता। आप आयरन रॉड से संघर्ष तोड़ने का प्रयास किया, जब देश भर में लोगों ने विरोध किया, तुमने उसको गलत तरीके से लेकर उल्टा तुमने उनके ऊपर केस लगाए हैं, और आज हमारे जनवादी अधिकार को भी तो मानने, और कहाँ है एचआरडी मिनिस्टर? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि कहाँ है एचआरडी मिनिस्टर। और इस बीच मंडी हाउस की ये तस्वीरें श्वेता, जहाँ छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, नारेबाजी हो रही है, और नारों के जरिए सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया जा रहा है। दूसरी अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने यहाँ पर देखा थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेता किरण वालिया भी पहुँची थी, और इस बीच छात्रों का प्रदर्शन जो पारंपरिक तरीका वामपंथी छात्रों के संगठन का विरोध को लेकर के, वो यहाँ पर देखिए अलग अलग झंडे लेकर के, अलग अलग झंडे, अलग अलग बैनर, अलग अलग पोस्टरों के तले ये तमाम छात्रों का संगठन यहाँ पर मंडी हाउस पर पहुँचा है, और इंतजार हो रहा है जेएनयू के उन छात्रों का जो बस अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिलहाल एक तस्वीर आपको बंदोबस्त भी दिखाते हैं कि पुलिस ने कैसे ये न सिर्फ पूरा रास्ता बंद किया हुआ है, बल्कि सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कि रोड न ब्लॉक हो और कहीं पर कोई भी ऐसी घटना न हो जो बाद में आगे जाकर के जिसे बड़ा बवाल हो, तो यहाँ पर रस्सों के जरिए मंडी हाउस का एक इलाका पुलिस ने बंद कर रखा है, ताकि पीछे जो ट्रैफिक है वो चलता रहे, रास्ता ना बंद हो, और साथ ही छात्र जो है वो उस पार न जा पाए। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जिस बस में आप मौजूद हैं वहाँ पर पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं, किस चीज के लिए पैसे हैं? जी नहीं, जी बिल्कुल, ये छात्रों के दिखाने का तरीका है कि इनके कहीं बाहर से पैसे नहीं आते, आपस में जो इनके थोड़े बहुत पैसे होते हैं उससे में कंट्रीब्यूट होते हैं। एक छात्र उनसे ही पूछ लेते हैं, ये कंट्रीब्यूशन जो है आपके छात्रों का, आप लोग बताना चाहते हैं कहीं बाहर से? हम बस में हमें बोलते हैं कि बाहर से पैसा मिलता है पॉलिटिकल पार्टी से। अभी देखिए सभी स्टूडेंट ने इकट्ठा मिलकर 20-20, 30-30, 40-50 रुपए इकट्ठा करके, हम भी इसका हर बार पे करते हैं, जब भी प्रोटेस्ट पे जाते हैं ऐसे ही करते हैं। एक बार दिखाइए, सत्य आपके सामने चल रहा है। तो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही है, काफी दिलचस्प है ये। 50 रुपए है जी बिल्कुल। तो अलग अलग तरीके की नेहा तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि अब से लगभग 15 मिनट का वक्त लग सकता है पहुंचने में। बाहर की तस्वीरें अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाए तो आपको समझ में आएगा कि ये बस चल रही है, मंडी हाउस की तरफ पहुंच रही है, और अगले कुछ ही देर में ये बस यहाँ पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ हैं उसका एक कॉन्वॉय है यहाँ पर, और वो जो कॉन्वॉय है वो लेकर जा रही है कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग मंडी हाउस जा रहे हैं, क्या मकसद है? मंडी हाउस सब जान रहे हैं। ये बताइए जिस बस में आप मौजूद है, मंडी हाउस बस जा रही है, ये बताया जा रहा है कि उस रूट पर कई ऐसे रास्ते हैं जो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, इस बारे में क्या जानकारी है?
यहाँ जो भी रास्ते जेएनयू की तरफ आते हैं उसे सुबह से ही ब्लॉक कर दिया गया था, जो मेन रोड थी उसे बंद कर दिया गया था। उसके अलावा जो मंडी हाउस तक जाने का रास्ता है उस पर दिल्ली पुलिस का अपना कॉन्वॉय है, जो रास्ते उस तरफ जुड़ते हैं उसमें से कुछ रास्तों को पुलिस ने ज़रूर बंद किया हुआ है। पुलिस का शुरुआत से ये कहना था कि अगर ये छात्र पैदल जाते हैं तो आम आदमी को काफ़ी तकलीफ हो सकती है, ट्रैफिक में तकलीफ हो सकती है, ये उन्होंने अपनी तरफ से कहा था, जिसके बाद में वो छात्रों को समझाए और उसके बाद में ऐसी 10 बसों में छात्रों को लेकर जाया जा रहा है। छात्र यहाँ से मंडी हाउस पहुँचेंगे, बस निकल चुकी है, 10 से 15 मिनट का वक्त ऑलरेडी इस बस से गुजर चुका है, 10-15 मिनट और लगेगा जब बस यहाँ से पहुँच जाएगी दिल्ली पुलिस की कॉन्वॉय के साथ में। लेकिन वहाँ पर भी क्या विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त इनको मिलती है, मार्च करने की इजाज़त मिलती है, इस पर कोई चीज़ साफ नहीं है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि उनको दिल्ली पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद भी वो अपने तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा पाएंगे। जी नहीं, लॉडिंग आपके पास मनीष, क्योंकि मंडी हाउस जो तस्वीरें आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि वहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र पहले से ही मौजूद हैं, और जब ये अलग अलग बस वहाँ पर पहुँचेंगी तो छात्रों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि जिस बस में मनीष सवार हैं उसके इर्द गिर्द वो बता रहे हैं कि पुलिस कॉन्वॉय भी मौजूद है, यानी कि पुलिस सुरक्षा के बीच ये बस ले जाई जा रही है मंडी हाउस। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये कहा जा रहा है, लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो दरअसल राजनीतिक मंशा से उपरोत है, उनकी फंडिंग भी राजनीतिक पार्टी की तरह से की जाती है। सवाल के साथ आपके पास मैं लौटूंगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।